अरे कहाँ जा रहा? माँ मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ। के है दोस्तों के पास? उनके सबके साथ ही होली और तेरे से नू कह रही हूँ ब्याह कर ले। मेरे बस की ना है झाड़ू वाड़ू लगानी, मेरे रहा कमर में दर्द। तेरी समझ में बात क्यों ना आ रही है? कब तक करती रहूंगी मैं काम? मेरे दिमाग खराब करने की तो जरूरत है ना, बस शादी शादी पता ना क्या है। तेरे बहुत दिमाग खराब हो। शादी तुझे करनी है ना करनी है एक बात बता दे मुझे। ना करनी तो तुझे मिनट से पहले गेट से बाहर खड़ा कर दूंगी। चला जी जा जा वे। जब नसीब में होगी हो जाएगी, पता ना क्या है शादी शादी। नसीब को लेकर भागे है? अरे नसीब क्या करेगा जब तू ब्याह ना करवावे तो। है छोरे ना कैसे अंत काट ली इसके तो बिल्कुल ही लिहाज ना रही। बता मैं कब तक काम करती रहूंगी? मेरे बस की ना, मेरी इतनी उम्र आ ली, मैं कब तक इसे पोका खवाती रहूंगी? है ब्याह कोई ना सुन रहा छोरा। बिचौली आने को कह रहा था आया ना। हाँ आने को उसका टाइम तो हो रहा जी, बोल रखा उसने 5 बजे आ जाऊंगा जी। लड़की ठीक हो तो उसके फेरे फेर दो। राम राम जी। राम राम, राम, राम जी, बैठो जी बैठो। क्या हाल है जी? ठीक है, आप सुनाइए सब। कैसी है लड़की? लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है थोड़ी घनी, इंटर पास कर रखी उसने। आवे सिलाई वलाई कुछ? सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर हर काम आता है। हमें क्या नौकरी करवानी है? यू है बस तनक मारे घर को संभाल ले। नहीं लड़की बड़ी संस्कारी है, बहुत अच्छी लड़की है, आपके घर को अच्छी तरह चलाएगी। अब एक काम करो, पंडित जी के धोरे जाओ और सही से मुहूर्त लिखवा के और इनके फेरे फेर दो। फेरो इसके फेरे और नहीं तो मुझे ना जीन दे। लिखवाएंगे पंडित जी पे, अपना टाइम होगा जो भी। क्यों जी ठीक है ना? अच्छा जी आज्ञा दो, अब मैं चलता हूँ। राम राम, राम जी। ठीक है राम राम जी। सुजवा लो भैया। ले खा लड्डू आ जाओ। जीती रह बनी रह, दूध दो नहाओ पूतो फलो, खुश रहो। यहाँ कैसे बैठी है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? यहाँ से उठ और नीचे लेट, तेरी औकात नहीं है यहाँ लेटने की। वैसे भी मेरी माँ की मर्जी से ये शादी हुई है, मेरी मर्जी से ये शादी नहीं हुई।
माँ जी लो चाय। चाय ले आया। जीती रह बनी रह दूध नाओ पूत तो फलो थारी जोड़ी पार तार है जल्दी समय दादी बन जाऊं। राहुल उठ गया? अभी नहीं। चाय दे उसे, उठ जाओगा। जी माँ जी। माँ जी खाने में क्या बनाऊं? जो तुझे अच्छा लगे उसे ही बना ले, कुछ ही खवा दे हमें तो बना के। अच्छा माँ जी। चाय तो बढ़िया बना रखी है, इस दिन का इतना इंतजार था मुझे। जी तो कह भी शादी कर ले, मुझे ही काम करना पड़ा करा। ए भगवान, अब बस मेरी सुख चैन में काया आ जावे, आराम सा करके आराम से बैठ कर खाऊ। बतेरा कमा लिया। क्या कर रही है ये? और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? वो मैं चाय लेके आई थी। मुझे नहीं पीनी चाय वाय। और तेरे सोच कैसे ली तू मेरे लिए चाय ले आएगी? ऐसा है, ये शादी मेरी माँ की मर्जी से हुई है, मेरी मर्जी से नहीं हुई है, समझ गई? इसलिए जितना दूर रहे उतना अच्छा है तेरे लिए। अबे यार, अब तो तेरी शादी हो गया, पूनम का क्या होगा? अरे यार, पूनम से मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो तो मेरी माँ ने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी, उसे मैं कहाँ छोड़ सकता हूँ? तुझे पता ही है मैं कितना प्यार करूँ। हाँ पता है, आज तो पार्टी देनी पड़ेगी। चल पार्टी दे दे तू। मेरे बारे में क्या चुगली चल रही है? तुम्हारे बारे में चुगली कर सकते हैं क्या हम? ये तो मेरे दोस्त हैं। और पार्टी किस चीज की ली जा रही है? अब पार्टी भी ना मांग सके अपने दोस्त से? नहीं, मांग सकते हो। चल तो चले। चलो चल तो चलो तुम, मैं घूम कर आऊंगा। जल्दी आ जाइए। चल ठीक है। Thank you.
आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, क्यों? तुमसे कोई मतलब? आप सारे टाइम घर से बाहर रहते हो, ना मुझसे सीधे बात करते हो, बल्कि घर में खाना तक नहीं खाते हो। और वो कल वो लड़की कौन थी जो आपको लेके आई थी? तू मेरे से सवाल कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत मुझसे सवाल करने की? अपनी औकात में रह, समझ गई? मैंने पूछे थे तो अंकल जी नमस्ते। अंकल जी, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत थी, मुझे मेरठ जाना किसी जरूरी काम से। 10,000 चाहिए? 10,000 रुपए ही? जरूरी काम है क्या कोई? बहुत जरूरी काम है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ, हो सके तो दे दो। हाँ अंकल जी, पूरे 10 ही हैं। 10 ही हैं? हाँ जी। कब तक दे देगा तुम वापसी? अंकल जी जल्दी दे दूँगा, 5 दिन में दे दूँगा। देख लीजिए, पक्का दे दीजिए। हाँ हाँ, 5 दिन बाद दे दूँगा। अच्छा अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते। भाई तू आसपास से? छोड़ रहा हूं मैं तुझे, रुक जा, बाइक उठा दे पहले। आजा आराम से, आजा आराम से, आजा आजा, बैठ गाड़ी पे, बैठ बैठ भाई, आराम से बैठ। क्या हुआ भाई? भाई जानते हो कैसे? हाँ दोस्त है हमारा। भाई इसका ना सड़क पे एक्सीडेंट हो गया था, ये आसपास का बता रहा था अपने को। ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ हमारा दोस्त। एक काम करो यार, मैं लेट हो रहा हूँ, तुम इसे लेके इसके घर चले जाओ। पकड़ो 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 भाई, पकड़ पकड़ ले भाई से यार। ठीक है भैया, आराम से घर छोड़िए। ठीक है भैया, है इनका एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई इनके। हम यहाँ खड़े हुए थे, एक लड़का बाइक पे छोड़ के गया ना यहाँ। बस यही लिटा दो, आप छोड़ दो, मैं लिटा दूंगी। चलो ठीक है भाभी, कोई दिक्कत हो तो हमें बता देना, हम चलते हैं। ठीक है, कहीं ज्यादा तो नहीं लगी आपको? हेलो, क्या कैसे चोटी ज्यादा तो नहीं आई यार? उसके लिए सॉरी, मैं नहीं आ सकती।
मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए लड़का देख लिया है और जी और शादी भी फिक्स कर दी है। उसके लिए सॉरी, मैं नहीं आ सकती। राहुल से बोल देना, हो सके तो मुझे माफ कर दे। पूनम की शादी तय हो गई, राहुल से मिलने भी नहीं आई है। अच्छा चल सही हो, राहुल भी उसके पीछे पागल हुआ था। हाँ बहुत पागल था उसके पीछे। चल जो हुआ सही हुआ, चल ठीक है। लो दवाई, दवाई का टाइम हो गया आपका। पहले से तबीयत कैसी है? हाँ पहले से बहुत आराम है। चलो लेट जाओ। अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ मंगाना हो तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है। सुनो उठो खाना खा लो। लो खाना खाओ। चलो मैं खिलाती हूँ, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है ना? सुमन मुझे तुम माफ कर दे। आप हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था तुम मुझे इतना चाहती हो। तुमने हर गलती को माफ की। मैंने तेरे पे इतने अत्याचार किए फिर भी तूने सहन किए। मैं तेरा बहुत बड़े गुनहगार, मुझे तुम माफ कर दे। वो बीवी का फर्ज था सेवा करने की, वो मैंने करी। और गलती तो सबसे होती है ना। वो बुरा वक्त था खत्म हो गया।